रानी जेटली जी का व्यक्तिगत तौर से मुझे मार्गदर्शन भी और आशीर्वाद भी लगातार मिलता रहा है, और आज यह समाचार सुनने के बाद मतलब निःशब्द होकर के, दुखी होकर के, पीड़ित होकर के, अभी मैं 3 दिन पहले उनको मिल करके वहाँ गया था एम्स में, जाकर के उनसे मिला, उनके परिजनों से मिला, बड़ी संख्या में समर्थक वहाँ पर उपस्थित, उन सबसे मिला। हम लोग पूरा विश्वास रखे हुए थे कि जेटली जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और वह फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश को अपनी सेवा देने का काम करेंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता है और वह आज हमें छोड़ करके चले गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के साथ साथ अपने और अपने परिजनों की ओर से श्रद्धेय जेटली जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो देखिए सबके